सपोज कर लिया हमने लिखा बेटा एक्स फॉर्म एक्स फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर एंड वाई आर प्रेजेंट एट डी। देखिए एक्स फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर वाई आर प्रेजेंट एट डी आपके पास बेटा हम ये मान लो 3/4 ऑफ ऑक्टल वॉइड इफ वन ऑफ द कॉर्नर इज मिसिंग देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखिए बेटा वाई हमारे पास है सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा बोल रहा हूं सीसी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर लेकिन सीसीपी में से एक क्वार्टर मिसिंग है बेटा। नॉर्मली हम बात करते हैं फोर की लेकिन एक क्वार्टर मिस है तो हमें टोटल बनाना पड़ेगा बेटा। देखिए वाई सीसीपी का मतलब फोर हो गया माइनस वन ऑफ द क्वार्टर इज मिसिंग का मतलब हो गया बेटा आपके पास 1/8 × 8 आपके पास है कंट्रीब्यूशन एक काम हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन फोर था बेटा सीसीपी का उनमें से एक कॉर्नर मिस हो गया हमारे पास एक कॉर्नर मिस हुआ बेटा 1/8 × 1 एक कॉर्नर मिस हुआ तो टोटल हमारे पास आ गया बेटा देखिए 8 32 − 1 8 आ गया बेटा ये देखो वाई आ गया बेटा जितने वाई है उसके उतने ही ऑक्टेंट वाइड भी होंगे बेटा यानी कि जो हमारे पास है बेटा ये एक्स है और वाई हमारे पास हुआ बेटा 1 atom = 1 octet void तो जितने हमारे पास एटम है उतने ही हमारे पास ये भी रहेंगे बेटा तो ये वाई इक्वल टू 31/8 आ गया बेटा जितने एटम है बेटा उतने ही वाई भी होंगे हमारे पास तो दोनों बराबर हो गए बेटा एक्स एंड वाई इसका मतलब हो गया बेटा हमारे पास एक्स 31/8 और वाई भी हमारे पास 31/8 हो गया एक्स वाई हो गया बेटा फॉर्मूला देखिए क्या हो गया फॉर्मूला देखिए एक्स वाई एक्स और वाई इक्वल है बेटा आपके पास 1:1 का रेशियो आ गया तो अब अगर यही चीज हमारे पास होता बेटा ऑक्टेट वर्ड टेट्राहेड्रल वाई तो ये एक्स वाई टू आ जाता बेटा आपको समझना सिंपल पॉइंट है उसके एक नहीं समझना था आपको। अब देखिए मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं आपको और फिर हो जाएगा नंबर फोर फिर आप आगे चलेंगे बेटा बेटा क्वेश्चन यही आता है ध्यान रखिएगा। अब मैंने एक कंपाउंड दिया बेटा ये इसका क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया देखिए ऑक्साइड फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर Mg+2 Mg+3 are present in different fraction of octahedral and tetrahedral voids। अब देखिए बेटा यहां पर हम एक बात तय कर रहे हैं कि ये जो आपके पास एल्यूमिनियम प्लस थ्री है आर प्रेजेंट एट दी फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल एम फ्रैक्शन ऑफ Mg+2 present at the small m fraction of tetrahedral void. Mg+2 present at the small m fraction of tetrahedral void. Aluminium+3 present at the small m fraction of octahedral void. Then what will be the molecular formula of the compound? Yeah, value of calculate N and M. Yeah, molecular formula. आप बता सकते बेटा आप देखिए बेटा सबसे बड़ा बात सोल्यूशन ये हुआ बेटा इसका ये देखिए सोल्यूशन इसका ये हुआ कि जो ओ डाइंगनियम है बेटा वो सीसीपी बना रहा है तो ओ डाइंगनियम आपके पास हो गया बेटा सीसीपी इक्वल टू 4। अच्छा इस टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे बेटा उनका एक प्रॉपर तरीका होगा सॉल्व करने के लिए कि जितने भी कैटाइन होंगे बेटा उतना ही एनाइन होना चाहिए यानी कि
टोटल चार्ज और कैटायन मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज और एनायन होना चाहिए, क्योंकि हर कोई क्रिस्टल जो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एवरी क्रिस्टल जो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से बना नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल नंबर ऑफ एनायंस होना चाहिए। अब आपको खुद ही बता रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, देखिए अगर चार एटम है मेरे पास आए हैं, मतलब O+ से जो क्रिस्टल बना रहा है उसके अंदर टेट्राहेड्रल व्हाइट बोलोगे तो 8 होंगे और ऑक्टेट्राहेड्रल व्हाइट बोलोगे तो आपके पास ये देखो मैंने यहां पर लिख रहा हूं टेट्राहेड्रल व्हाइट 8, ऑक्टेट्राहेड्रल व्हाइट 4। अब क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यू चाहिए, मैं लिख रहा हूं देखिए ये Mg प्लस 2 था बेटा, ये एल्यूमिनियम प्लस 3 था, ये देखिए। अब मुझे बताइए कि एल्यूमिनियम प्लस 3 कितने होने चाहिए, प्लस माइनस इक्वल होना चाहिए, मैंने बोला कि टोटल, यहां पर क्वेश्चन ये लगेगा बेटा टोटल चार्ज एनायन इक्वल टू टोटल चार्ज कैटायन, ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है तो चार O नेगेटिव होने का मतलब 8 नेगेटिव हो गया। 8 नेगेटिव करने के लिए आप सुनिएगा Mg प्लस 2 का अगर मैं यहां पर दो मोल लेता हूं तो 2 गुणा 4 हो जाता है, 4 और 3 7 हो जाता है, मतलब ये हो गया। देखिए अपना परमिशन कॉम्बिनेशन लगाना है आपको, ये प्लस 2 है तो एल्यूमिनियम को 1 है तो टोटल चार्ज हो गया 7, हमें तो 8 चाहिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज 8 चाहिए, वो बैलेंस नहीं हुआ। अब देखिए अगर मैं इसको 3 लेता हूं तो वो आपके पास होता है 3 6 और 3 9 ज्यादा हो जाता है। अब मैंने इसको हटा दिया, इसको 2 किया तो 6 + 2 = 8 हो रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम 2 होनी चाहिए प्लस 3 और आपका Mg प्लस 2 1 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इन दिस कंपाउंड एल्यूमिनियम प्लस 3 जो है बेटा वो 2 आयन होने चाहिए, व्हिच आर प्रेजेंट एट द ऑक्टेट व्हाइट, ऑक्टेट व्हाइट 4 है बेटा, आउट ऑफ 4 ओनली मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ ए प्लस थ्री आइंस मस्ट बी 2। इसका मतलब हो गया चार जगह पर एल्यूमिनियम प्लस 3 हो सकता था लेकिन दो ही जगह है, सो मोल फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इक्वल टू दो जगह है और होना चाहिए चार जगह, तो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, फ्रैक्शन एल्यूमिनियम प्लस 3 का फ्रैक्शन को आपने बोला m, तो ये आपके पास आ गया बेटा ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, ये स्मॉल m इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं देखिए इसको, ये स्मॉल m इक्वल टू 2/4 मींस 1/2 हो गया, देखिए इसका फ्रैक्शन बेटा, यानी कि 50% of octatic voids are occupied by aluminum plus 3 and 50% are still unoccupied by the aluminum plus 3 ions. ये देखो मैं दूसरा। Similarly, number of Mg plus 2 ions इक्वल टू आपके पास नंबर ऑफ Mg प्लस 2 आयन इक्वल टू आपके पास आगे बेटा 2, एक होना चाहिए Mg प्लस 2 आयन ताकि दो एल्यूमिनियम प्लस 6 हो गया एक Mg आपके पास प्लस 2 चार्ज का टोटल मिला के 8 हो जाएगा, सो आपके पास द फ्रैक्शन ऑफ Mg प्लस 2 आयन स्मॉल m इक्वल टू एक जगह पर है और होना कितना जगह चाहिए था उसको 8, तो सो फ्रैक्शन विल बी 1/8। देखिए बेटा जो आपका फ्रैक्शन Mg प्लस 2 का निकला वो 1 है, यानी कि 1/8 है, 8 जगह होना चाहिए था लेकिन है एक जगह पर। इन दिस सिमिलर वे एल्यूमिनियम प्लस 3 मे ऑक्युपाइड इन 4 ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन ऑल बट ओनली 50% ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय एल्यूमिनियम प्लस 3 मींस 1/2 फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय एल्यूमिनियम प्लस 3 व्हाइल 1/8 फ्रैक्शन ऑफ
scattered points are occupied by mg plus 2. बहुत क्लियर क्वेश्चन छोड़ा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पूछता तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा नहीं होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप बोलते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या होगा, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम एक है, एल्यूमिनियम दो है बेटा, और ओ फोर, ये बेटा एम जी ए एल टू ओ फोर हो जाता है. होल कंपाउंड स्पाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसे आपके पास कोई मतलब नहीं है. एम जी ए एल टू ओ फोर इस टाइप के डिफरेंट कंपाउंड का हम निकालेंगे बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको बोलता है तो. देखिए बेटा अब हम पहुंचे बेटा इसके आगे, ये देखिए स्टोइकोमेट्री के बाद बाहर निकले बेटा हम लोग. स्टोइकोमेट्री में हम लोग बाहर निकले पार्ट टू में बेटा हमारे पास, थोड़ा सुनिए क्या बेटा सरिस्टेंस चला बेटा हमारा ठीक है बेटा. अच्छा अब हमारा पॉइंट है बेटा दूसरा, हमारे पास टॉपिक आया बेटा, देखिए पार्ट टू का टॉपिक हमारे पास है बेटा ये कि सॉलिड स्टेट में एजेंट ए और इसका रिलेशन क्या है बेटा. देखिए रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड एजेंट ए, रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर में जीवन होने पर यह बेटा हमारे पास नंबर टू बेटा डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए इंटू 10^-30 व्हेन ए इक्वल टू पिकोमीटर, ए इज इन पिकोमीटर होगा बेटा तब यह फॉर्मूला लगेगा. नंबर थ्री जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए 10^-24 ए इक्वल टू आपका एंगस्ट्रॉम. नंबर फोर देखिए अब यहां पर बात होगी बेटा जेड की, ये बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूडेड बाय द क्रिस्टल सॉलिड. फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखा होगा जेड इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट्स ऑफ जेड इक्वल 1, जेड इक्वल 2 फॉर बीसीसी, फोर फॉर एफसीसी, ये भी आपके पास एफसीसी के लिए. और आपको मालूम है एफएससीपी का जेन 6 होता है बेटा आपके पास, वो निकालेंगे भैया. और ये एम जो है बेटा यहां पर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम
या फिर आपके पास बेटा कंपाउंड होगा जिससे क्रिस्टन सोल्डर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टन सॉल्ट आपको मालूम है ए इक्वल टू एच लेंथ है का इन जनरल क्वेश्चन पूछता है आप जान बना देंगे आपको समझना जरूरी है ठीक है और एनी रेगुलर नंबर है उसकी वैल्यू आपको मालूम है बेटा एनी इक्वल टू 6.023 23 ये बेटा वैल्यू अब आराम से निकाल देते ठीक है अब देखिए ए और आर का रिलेशन आप इसके बाद बेटा रिलेशन बिटवीन एस लेंथ ए एंड आर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड Relation between S length A and S length A and up to what now? Radius R of different crystal solid. डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के एस लेंथ ए और रेडियस आर का रिलेशन बेटा नंबर फर्स्ट देखिए बेटा फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक ए इक्वल टू आर ए बाई टू For BCC A equal to 4 by root 3 R R equal to up to the point 3/4 for FCC A equal to 2/2 R R equal to A by 2/2 but for FCC for BCC for simple एक ही वैल्यू आपके फॉर एस सी लिख देता हूं एस सी के लिए भी ए इक्वल टू आर है आर इक्वल टू ए बाई टू जब आपके पास डिफरेंट टाइप का ए और आर का रिलेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के इक्वल में हम जैसे निकालेंगे बेटा उसके इक्वल हम इसको बना पाएंगे ये देखिए बेटा थोड़ा सा आगे निकलते बेटा हम लोग इसमें परसेंटेज पैकिंग एंड ये आपके फॉर डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड परसेंटेज पैकिंग पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा डायरेक्ट आपका लॉजिक है नंबर वन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ठीक है
through 1, 1 is equal to 8 through, personal cutting efficiency equal to 52, and percentage unoccupied vacancy equal to आपका 48% दे देते। नंबर टू लिखा है फॉर एफसीसी ए इक्वल टू रूट टू आर वॉल्यूम इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू फोर परसेंटेज पीई इक्वल टू 74 परसेंटेज वैकेंसी इक्वल टू 26 नंबर थ्री फॉर आपके पास आ गया एफसीसी के बाद बीसीसी ए इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 4/√3 और बी इक्वल टू ए क्यू जेड इक्वल टू 2 परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 68 परसेंटेज वैकेंसी इक्वल टू आपका 32% लास्ट वन का फॉर एफसीपी एफसीपी ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 24 रूट टू आर क्यूब जे इक्वल टू 6 पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 74 परसेंटेज वैकेंसी इक्वल टू 26 दे दीजिए।